हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आज का जो मेरा विषय है वह है हिंदी। जैसा आप सब देख रहे हैं, उप विषय यहाँ पर नीति के दोहे हैं। प्रकरण हमारा कबीरदास है। दिनांक जैसा पहले भी बता रखा है, आप अपने अनुसार डालेंगे, विद्यालय का नाम भी अपने अनुसार डालेंगे। तो खासकर जो नीति के दोहे हैं, अर्थात जो उप विषय हमारा है और प्रकरण कबीरदास है, तो ये इसको पढ़ाने के बाद जो हमें कौन कौन से उद्देश्यों की पूर्ति होगी पहले उनको लिखने में। और जैसा आप सबको पता, सामान्यतः जो हमारे सामान्य उद्देश्य होते हैं वो सबके समान ही होते हैं। एक विषय के जैसे हिंदी के हैं, सबके संभवतः समान ही होंगे, बट प्रकरण के अनुसार कभी कभी बदलते रहते हैं। तो यहाँ पर जैसा आप सब लोग देख रहे हैं कि सामान्य उद्देश्य क्या होंगे, कि जो बच्चे हैं, खासकर छात्र हैं, छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना, ये पहला सामान्य उद्देश्य हमारा होगा। दूसरा होगा बच्चों की कल्पना शक्ति का अवसर प्रदान करना। तीसरा होगा बच्चों को धारा प्रवाह, गति तथा शुद्ध उच्चारण के साथ जीवनी पढ़ना सिखाना। ये क्या होगा? हमारा सामान्य उद्देश्य होगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट होगा, जैसा आप देख रहे हैं, बच्चों को हिंदी की वर्तनी के शुद्ध प्रयोग की जानकारी प्रदान करना, ये हमारा अंतिम सामान्य उद्देश्य होगा। अब इसके बाद आते हैं जैसे हमारे विशिष्ट उद्देश्य हैं, जो कि आप सबके सामने स्क्रीन पर दिख भी रहे हैं। तो विशिष्ट जो पहला हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्य होगा, उसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य है कि ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या होगा कि बच्चे कबीरदास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो हमारा भावात्मक उद्देश्य होगा कि बच्चे कबीरदास जी की शिक्षा से अवगत होंगे, जो उन्हें समाज को दिया है, जो उन्होंने समाज को दिया है। बोधात्मक उद्देश्य क्या होगा कि बच्चों को आडंबरों, छुआछूत आदि से दूर करना। ये क्या होगा? हमारा विशिष्ट उद्देश्य होगा। शिक्षण विधि यहाँ पर दी हुई है, प्रश्नोत्तर विधि तथा शिक्षण स्पष्टीकरण विधि ये दी हुई है। अब आता है यहाँ पर सहायक सामग्री। तो विभिन्न महापुरुषों का चित्र जिन्होंने समाज को जागृत करने का प्रयास किया है, तथा अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री, ये क्या मटेरियल एड होगा हमारा। अब आता है हमारा प्रीवियस ज्ञान। तो प्रीवियस ज्ञान अर्थात पूर्व ज्ञान, बच्चे अपने देश में रहने वाले सभी धर्मों के लोगों की सामान्य जानकारी रखते हैं, ये क्या है? पूर्व ज्ञान है। पूर्व ज्ञान के बाद जैसा आप देख रहे हैं यहाँ प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न का मतलब क्या हुआ कि जो छात्र जो प्रकरण है, प्रकरण पर लाने से पहले हम क्या करेंगे, छात्र छात्राओं से कुछ प्रश्न करते हैं, उन्हें ही प्रस्तावना प्रश्न बोलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, तुम्हारे देश का क्या नाम है, बच्चा आंसर देगा भारत। हमारे देश में कौन कौन से धर्मों के लोग रहते हैं, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध धर्म, ये सब क्या, जैन बौद्ध धर्म, ये सब बताएंगे बच्चे। फिर क्या आता है, जैसे हिंदू मुस्लिम धर्म में कोई एक मुख्य अंतर बताओ। मुस्लिम धर्म में मूर्ति पूजा नहीं की जाती है, तो ये क्या, एक अंतर बता दिया। उस संत का नाम बताओ जो मूर्ति पूजा के प्रबल विरोधी थे और जिन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों को फटकार लगाई। अब बच्चा शांत है, अब बच्चा नहीं बता पा रहा है, ये क्या हो गया, ये समस्यात्मक प्रश्न हो गया, बच्चा मौन हो गया। तब हम छात्रों, तो स्टेटमेंट ऑफ द एम आता है, अर्थात उद्देश्य कथन आता है कि छात्रों या बच्चों, आज हम लोग कबीरदास जी के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। अब प्रस्तावना प्रश्नों के बाद यहाँ पर आएगा आदर्श वाचन। तो यहाँ अध्यापक द्वारा उचित लय, आरोह, अवरोह के साथ पाठ का आदर्श वाचन किया जाएगा। फिर दूसरा क्या होगा, अनुकरण वाचन होगा कि कतिपय छात्रों द्वारा अनुकरण वाचन करवाया जाए, अर्थात कुछ छात्रों के द्वारा जो छात्राध्यापिका है या छात्राध्यापक है उसका क्या कराएगा, अनुकरण वाचन कराएगा। फिर आता है उसके बाद काठिन्य निवारण। काठिन्य निवारण क्या है, यहाँ पर जैसा आप सब लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे आपके दिख रहा है कि जो कठिन शब्द होंगे पाठ के अंतर्गत, पैरा के अंतर्गत, उनको यहाँ पर शब्द को या तो फ्लैश कार्ड को यूज करेंगे। तो फ्लैश कार्ड पर क्या है, कठिन शब्द लिखे जाएंगे, उसी के पीछे उसका अर्थ भी लिखा जाएगा। साखी है तो यहाँ पर संस्कृत साक्षी का बिगड़ा रूप है। शब्द क्या है, ये क्या है, गेय पद है जिसमें पूरी तरह संगीतमयता विद्यमान है। रमायणी क्या है, ये क्या है, कबीर के दार्शनिक विचार है। तो ये क्या काठिन्य निवारण है जो कि हम जो छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका है वो करवाता है। यहाँ पर क्या है, आदर्श वाचन जैसे शिक्षण बिंदु दिए हुए हैं कि काठिन्य निवारण के बाद आदर्श वाचन कराया जाता है कि छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक उचित हाव भाव से आदर्श वाचन कराएगी और क्या करेगा, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेगा उसे। अब यहाँ पर जो है,
आदर्श वाचन के बाद अनुकूल वाचन आता। छात्र अध्यापिका किसी एक छात्र से या छात्रा से पढ़ने को कहेगी, छात्र पाठ का अनुकूल करेंगे। फिर उच्चार संशोधन होता है कि छात्र अध्यापिका पाठ के अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करेगी, छात्र शुद्ध उच्चारण करेंगे। काठिन्य वाड़ यहाँ पर भी होगा, क्या होगा कि छात्र अध्यापिका पाठ के कठिन शब्दों को उच्चारण करेगी तथा छात्रों से उच्चारण करने को कहेगी, छात्र कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे। काठिन्य निवारण के अंतर्गत जैसा आप सब लोग देख रहे हैं कि छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कठिन शब्दों को उच्चारण करवाएगी और उनका अर्थ भी बताएगी। जैसा आप सब लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि औषधि का जैसे अर्थ होगा दवा, कटुक का होगा कड़वा, जो स्वभाव का क्या है स्वभाव, और सलय का मतलब का वेधता है। तो ये क्या है, काठिन्य निवारण है, शब्द के अर्थ भी बताए जा रहे हैं। अब इसके बाद आता है आपका श्यामपट्ट सारांश, जैसा आपके सामने दिखा हुआ है कि जो भी हम ब्लैक बोर्ड एंट्रीज करते हैं तो वो ब्लैक बोर्ड एंट्रीज लिखी जाएंगी, विद्यालय का नाम, कक्षा, ये सब लिखा जाएगा सेम। अब यहाँ प्रश्न क्या है, तुम्हारे देश का क्या नाम है, तो बच्चा आंसर क्या देगा, हमारे देश का नाम भारत है। किस धर्म में मूर्ति पूजा नहीं होती, मुस्लिम धर्म में मूर्ति पूजा नहीं होती है। तो ये क्या है, ये इस ब्लैक बोर्ड पे जो हमने लिखा है वो यहाँ पर हम लिखेंगे बनाएंगे। उसके बाद क्या है कि खाली स्थान भरो, तो खाली स्थान भरो क्या होगा, हमारे देश में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। उसके बाद क्या है, मूर्ति पूजा के प्रबल विरोधी कौन थे, जैसे यहाँ पर तो मुस्लिम प्रबल मूर्ति पूजा के विरोधी, जैसा इसमें दिख रहा है कि मूर्ति पूजा के प्रबल विरोधी, तो जैसे मैंने अभी बताया आपको कि मुस्लिम मूर्ति पूजा के प्रबल विरोधी थे। उसके बाद जो है लास्ट, जैसे खाली स्थान भरो में है कि हमारे देश का नाम डैश डैश दिया है, तो क्या होगा, भारत है। श्यामपट्ट सारांश के बाद जो उसके बाद आएगा पुनरावृत्त प्रश्न, तो यहाँ पर कबीरदास का जन्म बताओ, जन्म स्थान बताओ, कबीरदास जी की मृत्यु कहाँ हुई थी। उसके बाद जैसे निरीक्षण कार्य है कि जब छात्र श्यामपट्ट कार्य कॉपी में उतार रहे होंगे तब छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर उनकी कॉपियों का निरीक्षण करेंगे। और गृह कार्य क्या होगा कि सभी छात्र कबीरदास जी के चार चार दोहे याद करके आएंगे या आना है, तो ये गृह कार्य होगा। आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं, और अगले वीडियो के लिए भी मुझे जरूर बताएं कि इस पर वीडियो सर आप बनाएं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।